अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता। आज है चांद रात और आपको पता है कि बड़ी ईद की जो चांद रात होती है ना, वैसे तो वो 10 दिन पहले हो जाती है, लेकिन ईद 10 दिन पहले का दिन होता है वो चांद रात ही कहलाता है ना। तो इसलिए इस ईद की प्लानिंग चल रही होती है कि कौन सा काम करना है। तो जनाब, यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिन की शुरुआत बहुत मज़ेदार नाश्ते से की और नाश्ता करने के बाद फ़ौरन मेरी हेल्पर आ गई थी। तो मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिलके जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से घर की सफाई की, क्योंकि ये होता है कि मिलके अगर आप लोग काम कर लेते हो ना, काम जल्दी भी हो जाता है और काम बहुत अच्छे से भी हो जाता है। तो जनाब, ये सारा काम जो है वो मैंने एक प्लान किया हुआ था कि ईद से पहले मुझे ख़त्म करना है। तो यहाँ पर हमारा ये काम हो चुका हुआ था। अब बारी है जनाब खीर बनाने की। देखिए जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर और ईद की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है कि गैस का जो है ना, अभी तो कुछ पता नहीं है कि आएगी या चले जाएगी, बस गैस का फ़ायदा उठा रही हूँ मैं। फटाफट जो है ना वो खीर बन जाए, फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ये देखें जी, बीच में गैस चली गई थी, अब दोबारा आई है, तो हम लोगों ने फिर से शुरू किया है काम अपना। खीर बस बन जाए ना, फिर मेरा ख्याल है ईद की तैयारियां कंप्लीट हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही जी किशमिश और ये बादाम रखे हैं मैं, बादाम को भी भिगोते हैं, फिर उसके ऊपर से छिलका उतारेंगे, फिर इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा ये जो है ना और मज़ीद पक जाएगी, फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। इसमें अब चीनी शामिल करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने चीनी शामिल कर दी है, अब हम मिक्स करेंगे और फिर चेक करके ना अगर ज़रूरत हुई तो हम दोबारा शामिल कर देंगे। अभी तो ये है कि हमने इतनी चीनी जो है वो डाल दी इसमें। अच्छा जी, ये देखें इस पोजीशन तक पहुंच चुकी है, अब आगे देखते हैं। गैस फुल आ रही है। अब ये बादाम हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखें जी, तो बाहर उसी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। ये देखें, सारे जो हैं बादाम हमने शामिल कर दिए हैं, कुछ रह गए हैं वो भी मैं डाल दूँगी और इसको कर लेंगे हम मिक्स। तो जो हमारी खीर है वो तैयार है, अब इसमें किशमिश डालेंगे और मज़ेदार सी खीर बन चुकी है हमारी। ईद की यानी कि तैयारी, ईद की तैयारी हो चुकी है। अब जी हम इसमें किशमिश शामिल करेंगे। ये देखिए ज़बरदस्ती किशमिश ये डाल दी। अच्छा जी, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग खीर में कौन कौन से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, जो शामिल करते हैं उसमें, और कितनी देर में आपकी जो है ना वो खीर बन जाती है अगर गैस तंग नहीं करे तो। जी हमारी खीर जो है वो बनके तैयार हो चुकी है फाइनली। तो ये है इसकी फाइनल लुक, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत मज़े की बनी हुई है। ये देखें जी, चलें जी, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, मैं जब खीर बना रही थी ना, तो ये आप लोगों को जिनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को उनसे मिलवा भी देती हूँ। जानवर जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं एक जगह पर जो है वो टेंट टेंट लगा कर, तो सारे जानवर जो है ना वो रख दिए जाते हैं। तो एक गार्ड शार्ड रख दिया जाता है जो इसका ख्याल रखता है। वैसे गार्ड शार्ड रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इनके साथ साथ ऐसे खेल रहे होते हैं, पूरा पूरा दिन जो है ना बच्चे इन्हीं के साथ गुजारते हैं। तो खैर, अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए भी बड़ी ईद में। आप लोगों को पता है कि सिर्फ जानवरों की ही ज़्यादा खुशी होती है, उन्हीं के साथ ज़रा मज़ा आता है देखने का। मैं तो मंडी भी गई थी, अगर आपने मंडी का व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। तो जानवर जो हैं वो कुछ जो है पिछले साल की प्राइस में मिल रहे थे, कुछ जो हैं वो महंगे हो चुके हुए थे। तो जितने अच्छे जानवर होंगे जाहिर बात है उनका रेट भी ज़्यादा होगा। तो ये देखें जी, ये जानवर आ चुके हैं, अब इंशाल्लाह कल ईद है तो कुर्बानी करेंगे और फिर कैसा ईद का दिन गुजरेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बाकी भी जितने लोग हैं वो बारी बारी अपने जानवर जो है वो यहीं पे लेके आ रहे हैं, और सबके जानवर जो हैं वो एक जगह पर ही जो है वो रख दिए जाते हैं और फिर सबका ख्याल जो है ना वो एक साथ रखा जाता है। बाकी अब गर्मी ज़्यादा थी तो बाकी का व्लॉग हम शाम को बनाएंगे। यहाँ पर जनाब रात हो चुकी है और आप लोग देखें ज़रा, चांद रात वाकई लग रही है, कितना रश है और किशाला रौनक हर जगह पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अच्छा, आप लोगों को मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो जानवर है ना वो दिखाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी खुद भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं इनको देखूँ। हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप लोग देखिएगा कितने खूबसूरत जानवर हैं इनके पास ना, और
और ये हमारे करीब भी एक जगह है जहाँ पर ये सारे जानवर जो है ना वो रखे जाते हैं। ये देखें आप लोग कितने खूबसूरत जानवर हैं, एक से बढ़कर एक। और घर पे ये लोग पालते हैं जानवरों को, और सारा देसी जो खाना है ना इनको दिया जाता है, मतलब देसी घी और मतलब देसी चीज़ों से इनको पाला जाता है, और बड़े ज़बरदस्त जानवर जो हैं वो पल के तैयार होते हैं। ये देखें जी आप लोग देख सकते हैं, और इसको देखने के लिए मतलब इन सारे जानवरों को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कि मेरा यहाँ से ना जाने को दिल नहीं कर रहा था। पहले भी मैं एक दो दफ़ा देख के जाती थी, लेकिन कभी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था इस तरह से। तो आज जो है वो मुझे टाइम मिला था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग देखें कितने खूबसूरत जानवर हैं, मतलब हर जानवर पर इतना प्यार आ रहा था ना। ये देखें इनको सजाया कितने अच्छे तरीके से हुआ है, और सारे जो है वो बिल्कुल एक तरह से तैयार किए जाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर ये बताती जाऊँ कि ये जानवर सेल नहीं किए जाते, और मतलब घर पे ही उन्होंने पाले होते हैं, और ये लोग बाहर सेल नहीं करते, अपने घर पे ही जो है वो सारी कुर्बानी होती है। ये आप लोग चेक करें ज़रा, ये कितने लोग जो हैं दूर दूर से इनको देखने के लिए आ रहे हैं, और इन ये सारा जो है वो बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं कि मतलब औरतों के लिए अलग से इन्होंने इंतज़ाम किया होता है, और मर्दों के लिए बिल्कुल सेपरेट होता है कि आराम से जो है ना वो सब देख सकें। चांद रात हो और जनाब बाहर कहीं खाना पीना ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं अली बर्गर पॉइंट। अच्छा, इसकी भी वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं थंबनेल शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और ये समनाबाद में बहुत ही फेमस जो है बर्गर पॉइंट है, लोग बहुत दूर दूर से खाने के लिए समनाबाद में इनके पास आते हैं। इनके बर्गर अच्छे होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी आज यहीं से जो है वो बर्गर खाएंगे। ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया हुआ था, तो बस मैं बाहर खड़ी हुई थी। बाय चॉइस के जूते अच्छे होते हैं, तो मैं सोच रही थी अंदर जाके चेक करूं या नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हम लोग बर्गर ही तैयार होते हुए देखते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बर्गर तैयार किए जा रहे हैं। ये चेक करें आप लोग, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, लेकिन शुक्र है हमारी बारी ज़रा जल्दी आ गई, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उनको आइडिया हो गया कि जी इनको ज़रा जल्दी है, तो फिर बस जल्दी जल्दी इन्होंने हमें बर्गर तैयार करके दिए। अच्छा, ये देखें ज़रा, बड़ा मज़ा आ रहा था तैयार होते हुए देखने का ना। घर आते ही बड़ी ज़बरदस्त सी मेहंदी लगा ली थी, और ये आप लोग देख सकते हैं। अगर डिज़ाइन अच्छा लग रहा है मेहंदी का तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरती से जो है ना वो मेहंदी लगाई गई थी। तो चले जी, यहाँ पर होता है मेरी वीडियो का एंड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।